अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। मित्रों, विचार दोधारी तलवार की तरह होते हैं। एक प्रकार से विचार रचनात्मकता का मूल आधार भी होते हैं और दूसरे प्रकार से नकारात्मक होकर विनाशकारी मानसिकता का आधार भी बन जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार हमारे मस्तिष्क से गुजरते हैं। सच तो यह है कि हमारा अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जिस प्रकार पारे को हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, उसी प्रकार विचारों पर नियंत्रण ना होने के कारण हम उसके गुलाम बन जाते हैं। विचारों पर नियंत्रण होने से ही ये हमारे भाग्य का आकार गढ़ते हैं। विचार जब लक्ष्य बन जाते हैं तो उस पर ध्यान देने से वे कार्य बन जाते हैं। कार्यों पर ध्यान देने से वे आदत बन जाते हैं। आदत पर ध्यान देने से वे चरित्र बन जाते हैं। विचारों द्वारा गढ़ा गया चरित्र ही हमारे भाग्य का निर्माता बनता है और हमारा भाग्य ही हमारे जीवन की सुख दुख और सफलता का नियामक बनता है। यदि सौभाग्य और सुखी जीवन जीना है तो विचारों को नियंत्रण में करें और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन जाएं। अगले सप्ताह हम किसी अन्य सकारात्मक सोच के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।